कृत की आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और गंगोत्री धाम के मुख्य पड़ाव मुख्यालय उत्तरकाशी के महर्षि भृगु धर्मार्थ चिकित्सालय की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां तक मैं इस धर्मार्थ चिकित्सालय की बात करूं, इसको चलाने वाली संस्था स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है। और यदि मैं देवभूमि की बात करूं, धामों में खास तौर पर जो चारों धाम के मार्ग हैं उन पर भृगु चिकित्सालय के हॉस्पिटल खोले गए हैं और पूरे उत्तराखंड में लगभग 14 हॉस्पिटल और यदि मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो लगभग 4000 से अधिक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं पूरे देश में। जहाँ तक मैं मरीजों की बात करूँ, बहुत ही उच्च और सेटिस्फैक्शन वाला यहाँ पर सेवा मिलती है। जब हम कई पेशेंटों से बात कर रहे हैं तो निकल के आता है कई सालों से फ्री सेवा, आधुनिकीकरण की लगी हुई मशीनें भी वहाँ पर मौजूद हैं। जब मैं पेशेंटों से बात कर रहा हूँ और महर्षि जी हैं मनीषानंद स्वामी जी महाराज हैं, पूछ के देखूँगा स्वामी जी यहाँ पर जो केयर टेकर हैं देखते हैं, उजेली के पास जो भृगु चिकित्सालय है स्वामी जी से बात करूंगा और पूछूंगा, जानने का करूंगा प्रयास क्या कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी आप देख रहे हैं माँ गंगा के तट पर आप जनता की सेवा देते हैं, इसको लेकर के क्या बोलेंगे आप? माँ गंगा की कृपा से, माँ श्री भृगु महाराज जी की कृपा से सारा काल ठीक ठाक चल रहा है। उत्तम सेवा हो रही, निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है। हमारे डॉक्टर हमारे मिशनरी भाव से लगे हुए हैं, निस्वार्थ सेवा से दिन रात कर काम करते हैं, गरीबों की बाकी लोगों की सबकी मदद करते हैं। तो महाराज ये अभी मशीनें लगी हुई हैं तमाम, तो ये सब क्या भृगु जो संस्था है विवेकानंद हेल्थ मिशन उसी के द्वारा सब मशीन लगाई गई? हाँ, स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा सारे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, सारे डॉक्टर्स सारे स्टाफ सारा काम वही भाग उठाते हैं। महाराज धामों में खास तौर पर आपकी सेवा देखी जाती है, तो इसके पीछे क्या मिशन का है? सर देश भर से यात्री यहाँ आते हैं, देश से विदेशों से भी आते हैं, उनको कठिनाई ना हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान हो, इस कारण से चारों धामों को ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर कब से महाराज यहाँ आप सेवा देते हैं गंगा के तट पर? यहाँ तो अभी मार्च अप्रैल से शुरू हुआ है उत्तरकाशी वाला, लेकिन बाकी तो कई सालों से चल रहा है। क्या बोलेंगे आप जो मरीज आने वाले हैं जनता को, धामों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए? सबकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं, 24 घंटे हम उनकी सेवा के लिए रहते हैं। ईश्वर करे सबका भला हो, सबकी यात्रा से जो मंगलमय हो। बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी जी थे जब मैं बात कर रहा था, अंदाजा लगा ये स्वामी होकर के यहाँ पर यात्री आते हैं उनकी सेवा करते हैं। और एक सीख भी है महाराज की, माँ गंगा के तट पर वो गंगा भागीरथी कल कल करती हुई और उस जगह पर महाराज जो सेवा दे रहे हैं, ये शायद उन होटल वालों के लिए जो यहाँ पर होटल चलाते हैं रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो यहाँ पर यात्रा घोड़े वाले खच्चर वाले तमामों की कई शिकायतें भी देखने को मिली। अभी 15 दिन पहले गाड़ी गिरी थी, उनकी भी शिकायत थी कि जब होटल में रात हो गई तो उनसे पैसा मांगा गया और तंग किया गया। बराबर एक तरफ 4 इंजरी हुई थी, 4 लोग मौत हुई थी। तो महाराज जी के सानिध्य, महाराज जी के जिस तरह की सेवा देते हैं, शायद समाज को भी सीखना चाहिए जो धामों में रहते हैं, इन पवित्र जगहों पे मानव सेवा के लिए आगे आना चाहिए। शंकर सिंह गुसाई पहाड़ों के राजा हिमालय के संपादक के साथ मेरी ये सीधे देव उत्तराखंड गंगोत्री धाम के गंगा घाटी के तट पर मुख्यालय उजेली में बने महर्षि भृगु धर्मार्थ चिकित्सालय पर सीधी ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत।